फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिस, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और आपको कैसे मालूम पड़ा यहाँ आने के Yes, sir, please. I am Dr. Okay. Retired from water taxing limited. Okay. About 2 months back. So, day before yesterday, I was surfacing on internet. There, I came to this program. I thought, okay, good. Thank you. Yes, sir, please. I'm Sushant Ranjit. I'm retired from State Bank of India. I come over here for this process. Okay. Yes, please. Yes, I used to come here. Regular reader. Okay. Yes. Yes, sir, please. Regular. Okay. Yes, please. I came here to return a book and I heard that this topic is a little out of the way. Yes, okay. So I okay. need to go for my yoga today. Okay. I'm attending your talk. Okay. I am sure it will be fruitful. Okay, thank you. Yes. Yeah, my name is Srinivas. I have come here to get the Sono series. So I have a workshop, so I contacted by him. Okay, okay. Yes, sir, please. I have some time to write, I'll come and fill up. Okay. My name is Lard. I am retired. I come normally in this library and attend the talks. And my phone is off the first specifically. But yeah. Okay, thank you. Yes, please come ahead. Aage aajo. Yes, introduce yourself. I have just joined them and we both come here sometimes okay. to read the books. Okay, thank you. I am Rajesh Jauhari, handwriting analyst. हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में कितने लोग जानते हैं कि या ग्राफोलॉजी, ये सब्जेक्ट को ग्राफोलॉजी कहा जाता है, ग्राफोलॉजी के बारे में कितने लोग ने सुना है या जानते हैं उसके बारे में? यस प्लीज. ओके. राइट. ओके. एनीवन एल्स, आप लोगों ने कुछ? ओके. Yes. I have a copy of NYU signatures and I'm just talking, but I don't have any, any proper knowledge. Okay. आज हम आपको बताएंगे कि हैंडराइटिंग से कितनी चीज मालूम पड़ती है और हैंडराइटिंग है क्या, जिसको आप हैंडराइटिंग समझ रहे हैं. आज के ज़माने में आप हैंडराइटिंग का यूज़ कम कर रहे हैं, तो पहला एक मैसेज ये है कि राइटिंग लिखना बहुत ज़रूरी है एज ए ह्यूमन बींग. हमारे लिए, हम जितना भी कंप्यूटर पर काम करते हैं, थोड़ा अगर 5 मिनट भी अगर लिखेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि राइटिंग लिखने से हमारा स्ट्रेस लेवल, जो टेंशन डिप्रेशन है, 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ, 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो टेंशन डिप्रेशन कम हो जाएगा. और राइटिंग से क्या क्या चीज़ें मालूम पड़ सकती है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे. और ये बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, अपने आप में अलग साइंस है, और मैं इस साइंस को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें, समझें और इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि साइंस अपने आप में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है. तो बहुत कम लोग जानते हैं, इंडिया में भी इसका बहुत प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है या बहुत लोगों को इसका फ़ायदा मालूम नहीं है. तो लिखना बहुत ज़रूरी है. आप जैसे चलना ज़रूरी क्यों होता है हमारे बॉडी के लिए, जो बॉडी को फिट रखने के लिए वॉकिंग ज़रूरी है, बोलते हैं ना डॉक्टर्स कि आपको वॉक करना चाहिए. क्यों? आपके पास, सबके पास में गाड़ी है, लग्जरीज है, फिर भी चलना ज़रूरी क्यों है? बॉडी को फिट रखने के लिए. माइंड को कैसे फिट रखेंगे? मेंटल फिटनेस के लिए क्या कुछ करते हैं हम? कुछ योगा, प्राणायाम या कुछ अलग अलग विधियाँ जो होगी, तो राइटिंग भी उसमें से एक अच्छा माध्यम है जिससे हम अपने ब्रेन को स्ट्रांग बना सकते हैं, उसको यूज़ करते हैं. तो अब हम यूज़ अगर कम करेंगे तो धीरे धीरे हमारे ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें, डिसऑर्डर्स हो जाएंगे उसमें. ओके. मैंने अभी इस साइंस को पूरा ऑल इंडिया सब अलग अलग जगह पर सिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज मिला होगा. मैं
ईस्टर्न यूपी से हूँ, यूपी में मैंने काफ़ी काम किया है, लोगों को समझाया है, काफ़ी सारे एरिया में काम कर रहा हूँ, बॉम्बे में भी मैं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया में ये राइटिंग जो है, व्हाट इट इज़, व्हाट इज़ हैंड राइटिंग, क्या समझते हैं आप बताइए, व्हाट इज, बट व्हाट इट इज़ राइटिंग, जो आप लिख रहे हैं वो क्या है, जो आपने भी लिखा, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ योर थाट्स, आपके थाट्स से कहीं तो कनेक्टेड है राइटिंग आपका, अगर थाट्स का रिफ्लेक्शन है तो दैट मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स योर थाट्स, मिरर इमेज ऑफ माइंड, एग्री, तो कहीं ना कहीं से थाट्स से कनेक्टेड होगा राइटिंग आपका, एग्री, माइंड से कनेक्टेड है तो माइंड में जो भी सारी चीजें चल रही है वो मालूम कर सकते हैं टेक्निकली, नॉट पॉसिबल, ओके, आपके हिसाब से अगर थॉट का रिफ्लेक्शन है तो थॉट्स क्या चल रहा है वो मालूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सम एक्सटेंट, ओके, आपके हिसाब से नहीं मालूम कर सकते हैं, नहीं प्रूवन नहीं, अगर थॉट का रिफ्लेक्शन होगा, अगर बाहर धूप है तो उसको धूप को पता लग सकता है कितना टेम्परेचर है, उसका ओरिजिन पे आप जा सकते हो थॉट का अगर रिफ्लेक्शन है, नहीं नहीं, इसमें अगर थॉट, इसमें अगर थॉट का रिफ्लेक्शन है तो थॉट तक पहुंचा जा सकता है कि नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है, आप ये मानते हैं कि थॉट का रिफ्लेक्शन है ये, नहीं है, ओके ठीक है, आपके हिसाब से थॉट का रिफ्लेक्शन है तो थॉट तक पहुंचा जा सकता है, ओके, सपोज आपने कुछ लिखा है, अगर कुछ लिख रहे हो तो ये आप कहां से लिखते हैं, किस तरह से लिखा आपने, आपकी राइटिंग अगर अलग है तो आपका थॉट प्रोसेस अलग होगा, अभी जो लिखना है वो कॉपी करके लिख दिए, मैं कॉपी करके कंटेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, एनी काइंड ऑफ ग्राफिक्स, जो भी ग्राफिक्स है, इसको ग्राफोलॉजी कहा जाता है, सब्जेक्ट का नाम ग्राफोलॉजी है, जिसको हैंड राइटिंग एनालिसिस कहा जाता है, ग्राफोलॉजी में जो भी ग्राफ्स आप लिख रहे हैं, कुछ भी आपने लिखा, एनी ग्राफिक्स, तो आपने कुछ सोचा होगा, सोच के लिखा होगा या बिना सोचे लिखा होगा, बिना सोचे लिखा होगा, कमांड, कमांड किसने किया, आपके फिंगर्स को किसने कमांड किया है, कहा से लिखा, एक सेकंड, आपने फॉर्म भरा भी, आपने नाम आपका क्या लिखा है, आपने आपका नाम क्या लिखा है, क्यों, क्यों आपका जो नाम था वो लिखा, नाम लिखा आपने, नहीं मुझे मालूम नहीं करना किसने लिखा, बट आपने नाम लिखा, नहीं नहीं एक सेकंड थोड़ा सा, वो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि हम जब राइटिंग लिख रहे हैं, कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि राइटिंग में ब्रेन का थॉट्स नहीं होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ब्रेन का, अच्छा ठीक है, थोड़ा देर बाद में हम आपके साथ में मिलेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर, ब्रेन का थॉट्स अगर होगा, 100% ब्रेन का थॉट्स है उसमें, अभी टाइम बिंग के लिए ब्रेन का थॉट्स होगा, क्योंकि आपने अपना नाम में अपना नाम ही लिखा, दूसरे किसी का नाम नहीं लिखा, आपका ही नाम, हाँ इसीलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको कुछ सोचा होगा ना आपने, कुछ कॉन्शियसली या सबकॉन्शियस ने आपके सोचा, ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का कोई भी नाम नहीं होता है एक्चुअली, एक्चुअली नाम, हाँ एक सेकंड ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाएगा, जो अपनी बॉडी है, ये जो बॉडी है, बॉडी का एक्चुअली कोई नाम नहीं होता है, बॉडी होती है ना, बॉडी के अलावा जो एक जो माइंड है ना, माइंड बॉडी, बॉडी अलग है माइंड अलग है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, अभी टॉपिक पे आ रहा हूँ, ठीक है, जितने लोग सहमत हैं कि बॉडी ब्रेन से रिलेशन है अगर, हाँ सर प्लीज आप लेट में, हाँ अभी है, हाँ प्लीज आप आगे आइए, ओके, मेरा क्वेश्चन था कि राइटिंग जो आप लिख रहे हैं, उन्होंने बोला कि थॉट का रिफ्लेक्शन है, राइटिंग रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट, तो क्या थॉट्स कनेक्टेड हैं आपकी राइटिंग से, कहीं ना कहीं से राइटिंग से थॉट तक पहुंचा जा सकता है, 100% कुछ परसेंटेज है, ओके, सर का ये क्वेश्चन था कि एकदम अलग है राइटिंग, अलग हो सकती, मतलब राइटिंग का थॉट से कनेक्शन नहीं है, हम लोग टेक्निकली ब्रेन से न्यूरॉन फ्लो होते हैं, एग्री, और वो आपके फिंगर्स को डायरेक्शन देते हैं आपको जैसा लिखना है, जिस तरह से आप लिख रहे हैं, ओके, दूसरा इंसान के पास में आपका जो ब्रेन है, ब्रेन, और ब्रेन को चलाने वाला एक ड्राइविंग फोर्स है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो चला रहा है वो ब्रेन को, अभी तक का ये ब्रेन जो है ना, ह्यूमन ब्रेन अभी तक का यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड
चीज जो है अभी तक का ब्रेन है, उसमें ब्रेन में बहुत सारे फंक्शंस हैं अभी तक स्टिल डॉक्टर्स को, कोई डॉक्टर है यहाँ पे नहीं मेडिकल फील्ड से, मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, डॉक्टर्स भी ब्रेन का फंक्शन बहुत सारे फंक्शंस अभी तक स्टिल नहीं मालूम पड़ सका है और इस यूनिवर्स का हाँ इसीलिए ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें स्टिल यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये इस धरती की बात नहीं, यूनिवर्स का अब तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज ह्यूमन ब्रेन है उसको, और उसको चलाने वाला जो है वो आपका सबकॉन्शियस है, जैसे किसका दिस इज लॉट्स ऑफ सो कॉम्प्लिकेटेड, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स इसमें होगा, यस 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 यस, और अपने लाइफ टाइम में आप अपने ब्रेन का कितना परसेंट यूज करते हैं? मैक्सिमम 6-10% तक यूज होता है, इतना आपके पास में इस हाँ मतलब 10% आपका ये ब्रेन है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम आपने 10% यूज किया, आपके पास इतनी मेमोरी इसमें स्टोर हो सकती है, और भी हार्डली 2-5% आपने यूज किया, तो इतना बड़ा इसमें हाँ नॉर्मली 2-5%, तो इतना आपके पास में स्टोरेज कैपेसिटी है, इतना कुछ ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं, और ब्रेन में जो भी सिग्नल्स होते हैं जितना भी आपने देखा सुना है सारी चीजें स्टोर होती है, ओके तो ये तो ब्रेन का फंक्शन हुआ। राइटिंग जो आप लिख रहे हैं जैसे कुछ भी आप एक डॉट भी लिखते हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी को जाना जा सकता है, तो राइटिंग में जो भी आपने डॉट्स लिखा या जो भी आप ग्राफिक्स लिख रहे हैं आपके दिमाग में वो ब्रेन्स का फंक्शन जैसे हो रहा है, जो भी आपका सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग होगा, कंडीशनिंग जैसा होगा वैसी आपकी राइटिंग होती है, एग्री? आपके ब्रेन का जो भी कंडीशनिंग होगी उस हिसाब से आपके राइटिंग पैटर्न्स चेंज होते हैं। थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, यस, क्रिमिनल में काफ़ी सारा क्रिमिनल इस सब्जेक्ट के एप्लीकेशंस बहुत जगह है, सेल्फ असेसमेंट के लिए करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए होता है, मैरिज कंपेटिबिलिटी के लिए होता है, पार्टनर कंपेटिबिलिटी, फॉरेंसिक में होता है, दिस क्रिमिनोलॉजी में बहुत थोड़ा सा है, हेल्थ इश्यूज को डायग्नोस करने के लिए भी, हेल्थ डायग्नोसिस में भी बहुत यूजफुल टूल है ये, बहुत सारी बीमारियाँ आपको राइटिंग से मालूम पड़ती है, ओके सबकॉन्शियस जो होगा ना ये आपका सबकॉन्शियस है, ये आपके ब्रेन को एज द एज 14 ईयर्स तक आपके जो भी प्रोग्रामिंग होती है कंडीशनिंग होती है मदर फादर की तरफ से पेरेंट्स की तरफ से उस तरीके से आपका ब्रेन प्रोग्राम होता है कंडीशन होता है और जैसी प्रोग्रामिंग होती है वैसी आपकी थॉट प्रोसेस उस तरीके का आपका हो जाता है 14 ईयर्स तक और फिर उस हिसाब से आपकी जो पेन जो डायरेक्शन देता है ना ब्रेन में जो भी सारे इंपल्सिस चल रहे हैं ये आपके पेन को डायरेक्शन देता है उस तरीके से आप लिखते हैं एनी लेटर ए बी सी कुछ भी आप लिख रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शन जो आ रहा है आपको आपके ब्रेन से आ रहा है और आपके ये फिंगर्स ने जस्ट कुछ ग्राफ्स बनाए जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं ये न्यूरॉन्स